नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। लोकसभा चुनाव निपटने के बाद अब बड़ी खबर ये निकल के आ रही है मध्यप्रदेश से कि मोहन सरकार के कैबिनेट में विस्तार किया जा सकता है और अगले माह या अगले सप्ताह ये विस्तार हो सकता है। इस तरह की जानकारी निकल के आ रही है सूत्रों के हवाले से। साथ ही अगर बात करें तो खबरें ये भी निकल के आ रही है कि जिस तरीके से जो वोट प्रतिशत कम हुआ है, जिन विधायकों मंत्रियों के क्षेत्र में, उन पर गाज गिर सकती है, उनके ऊपर संकट के बादल है। साथ ही अगर बात करें तो खबरें ये भी है कि जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा रहा विधायकों का, उनकी लॉटरी लग सकती है। इस तरह की जानकारी भी निकल के आ रही है। अगर बात करें नीमच जिले की बात करें तो यहाँ से विधायक दिलीप सिंह परियार और निरुद्ध माधव मारू का रिपोर्ट कार्ड दिल्ली तक जा पहुंचा है। इस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही है कि इनकी लॉटरी लग सकती है और मोहन कैबिनेट विस्तार में इनको जगह मिल सकती है। इस तरह की जानकारी निकल के आ रही है जिस तरीके से यहाँ पर जो वोटिंग हुई है। और साथ ही अगर बात करें जिस तरीके से जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है जिन विधायकों का, जिनके यहाँ पर जो मतदान में जो गिरावट आई है, और जिस तरीके से प्राइवेट कंपनियों से जेपी नड्डा के द्वारा जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं नीमच और मनासा विधायक फिट बैठ रहे हैं, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही है। और माना जा रहा है कि इनकी लॉटरी लग सकती है और अगले माह जिस तरीके से मोहन कैबिनेट का विस्तार होना है, उसमें जगह मिल सकती है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि विधायक दिलीप सिंह परियार और अनिरुद्ध माधव मारू की लॉटरी लग सकती है। साथ ही अगर बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने जो काम किया, जिस तरीके से जो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मतदान हुआ और जिस तरीके से लगातार वे जनता के बीच में जा रहे थे, अपने प्रत्याशी सांसद सुधीर गुप्ता के लिए मेहनत कर रहे थे, उसकी रिपोर्ट कार्ड भी दिल्ली तक पहुंची है। इस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही है। और साथ ही माना जा रहा है कि उसके बाद अब जिस तरीके से अगले माह मोहन कैबिनेट का विस्तार होना है, उसमें जगह मिल सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी थी, बड़ी अपडेट थी। इस तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।